हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने हाल ही नाश्ता भी कर लिया और उसके बाद अब मैं बैठी हूँ। और मैंने सोचा जब मैं ब्लॉगिंग कर ही रही हूँ तो मैं अच्छे से ही ब्लॉगिंग करती हूँ। हालांकि मेरे पास अभी कोई कंटेंट है नहीं, पर मैं ढूंढ ही लूँगी, कुछ भी करूँगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे का चीज़, और आप लोग बस वीडियो देखते रहो। तो देख सकते हैं धूप भी है, साथ साथ बारिश भी हो रही है। ये बरसात में ऐसे ही मौसम होता है, तो बारिश होने लग गई है। कैसा मौसम हो चुका है आप देख सकते हैं, कितनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत ही तेज बारिश हो रही है। ये है सावन का आज चेरी सो रही है, और कैसे सो रही है, बच्चे कितने प्यारे होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं एक हाउस वाइफ कैसे अपना टाइम पास कर सकती है। तो देखो दोस्तों कितने सारे यहाँ फ्लावर्स हैं, जो कि ये टेरेस में और लगे हैं सबके सब। तो एक्चुअली मैं बड़ी मम्मी के घर पे आई हूँ, तो उनकी टेरेस फार्मिंग में आपको दिखाना चाहती हूँ। फार्मिंग क्या, गार्डन यार, इसको फार्मिंग ही बोलेंगे। देखो ना कितने इसमें किस किस के, मुझे तो नाम भी नहीं पता, तो बहुत सारे पौधे हैं। मिर्चियाँ, देखो ये भी छोटे छोटे बैग्स में इन्होंने बहुत अच्छा यूज़ करा हुआ है। तो इतने सारे हैं, अब मुझे तो पौधों का नाम भी नहीं पता, पर इन्होंने ऐसा पूरा अपने एक गार्डन बना रखा है। और ये बहुत सारे, ये इनको जिनको ये पौधों का शौक होता है, प्लांट्स का, वही कर सकते हैं। देखो बैगन, बैगन लगे हैं, अरबी के पत्ते हैं यार। अरबी के पत्ते से याद आया, पतोड़ भी तो बनाएंगे यार। अलग अलग नाम है, पतोड़, पात्र, पता नहीं आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में तो पतोड़ बोलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ, इन्होंने फार्मिंग इस टाइप से कर दिया है, इस टाइप से ही इन्होंने पूरी फार्मिंग करी है यार। एक एक चीज़ को यूज़ किया है, और बहुत अच्छे से इन्होंने ये सजाया है, और कितना अच्छा भी लग रहा है, यूज़ भी हो रहा है। तो दोस्तों बताना ये किस चीज़ का बेल है, मुझे तो लग रहा है ये तोरी का बेल है। हाँ ये तोरी का ही बेल है। और ये देखिए कितने सारे यहाँ पर है। दोस्तों जिनको प्लांट्स का शौक होता है, उनके घर पे ही आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस हिसाब से इन्होंने किया है ये पूरा, बहुत ही सुंदर। यहाँ देखिए पूरा इन्होंने किस तरीके से इन्होंने सजाया है। तो अब यहाँ देख लीजिए, ये पूरी वॉल पे भी इन्होंने पूरे वॉल पे ये प्लांट्स लगाए हैं, और ये बिना किसी माली के हेल्प के हैं। और यहाँ देखिए कितनी क्रिएटिविटी दिखाई है। ये देखिए इन्होंने छोटे 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 डिब्बे, जो भी है वेस्ट डिब्बे, उसका भी यूज़ किया है। और ये देखिए सबसे प्यारा तो मुझे ये लगा, कितना अच्छा सुंदर इन्होंने घर पे बनाया है ये। और बहुत मेहनत चाहिए यार ये सब चीज़ करने के लिए, पैशन चाहिए, हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे आने के टाइम पे शायद हो जाए। और यहाँ देखिए मतलब एक एक चीज़ जो है ना, वो बहुत ही अच्छे से यूज़ हुई है। मतलब इनके घर में एक एक पॉइंट, एक एक हर जगह बस प्लांट्स हैं, और जिनको शौक है वही कर सकते हैं, वो भी विदाउट माली के। और सबसे पहले तो आप ये देखिए कितना प्यारा DIY कर रखा है इन्होंने। हालांकि सबको पता है कि ये DIY, ये ऐसे पेंट हो जाता है, पर देखो करता कोई नहीं है, ये पैशन ही है जो इतने डिब्बों, कलरफुल डिब्बे बना के रखे हैं, इतने डिब्बे में पेंट किया है। और एक हाउसवाइफ होने के बावजूद वो इतना टाइम जो है वो प्लांट्स को देती है, यही बड़ी बात है। और याद है कि एक एक जगह ऑक्यूपाई है प्लांट्स से। मैंने सामान मंगाया था, तो ये मेरे
मेरा पार्सल रिसीव हो चुका है मुझे। तो दोस्तों ये नेटमेट से आ रखा है मेरा सामान, मैंने स्किन का कुछ मंगाया था मेडिसिन, तो वही है। तो देखते हैं, खोल के दिखाती हूँ मैं आपको क्या आया। तो मैं खोल चुकी हूँ और मेरा सामान आया है ये, तो मेरा ये और ये आया, ये दोनों मेरा स्किन का सामान है। मैच ये मेरी नीस है। और ये देखा एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा। किसका था आज एग्ज़ाम? मैथ्स का, इंग्लिश का था। हाँ, मेरा कंप्यूटर और ईगस्ट का एक साथ है, इसलिए मुझे दो दिन की छुट्टी दे रखी है। हाँ, और छुट्टी क्यों है? छुट्टी की ताकि मैं लर्न कर पाऊँ ना, क्योंकि ईगस्ट और कंप्यूटर का एक साथ होगा हमारा। अच्छा ठीक है। दुकानें बंद थी, मैं बहुत मुश्किल से ले आई। हाँ मिल गया आपको? मिल गया, थैंक यू। वाली दुकान से लाई। और तो दोस्तों शाम का वक्त हो गया है और मुझे कुछ खाने का मन करा था, तो मैं सोचा ये ही बना लेती हूँ, जो घर पे है वही बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो मैंने मैगी बॉयल होने के लिए रख दिया है। वैसे है तो ये टॉपरमैन, लेकिन निकलता मुँह से मैगी ही है। आप कुछ भी ले लो, चाहे ये भी ले लो, चाहे कुछ भी, मेरे मुंह से तो बस मैगी ही निकलता है। अब आप लोग बताना कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि आप कुछ भी चीज़ ले लो पर पर्टिकुलर एक वर्ड ही निकलता है, मैगी। मुझे तो सबसे सिंपल तरीका यही लगता है मैगी बनाने का, बस पानी डालो, मिर्च डालो और बन गया, जो उसका तरीका है। दो मिनट में कोई मैगी रेडी नहीं होती है, लेकिन 5 मिनट तो लगते हैं, 5 से 6 मिनट तो लगते हैं मैगी तैयार होने में। और इसको अलग तरीके से बनाना है वो भी बना सकते हैं, पर मैं तो सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खाना है। भैया मेरी मैगी तो हो चुकी है रेडी, अब मैं खाऊंगी मैगी और कोल्ड ड्रिंक। तो आप भी चलिए इसको लेके जाते हैं और आराम से बैठ के खाते हैं, अपने कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, फटाफट खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने खा लिया, अब मैं रखूंगी सीट पे रख के, अब मैं ये बर्तन वॉश कर लूंगी। तिका और मैं कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तिका? हम चेरी के घर जा रहे हैं। हम तो हम पहुँच चुके हैं चेरी के घर, और हमारा देखो इंतजार कौन कर रहा था, चेरी हमारा इंतजार कर रही थी। चेरी हमारा इंतजार हो रहा था, चेरी हमारा इंतजार हो रहा था ना, है ना? चलो अंदर। तो भाजू क्या हो गया आपको, आपकी तबीयत क्यों खराब हो गई, आप बताना चाहते हो कि आप कितने पेन किलर खा के बैठे हो? तो एक्चुअली मैं आज भाजी की तबीयत खराब हुई, हम भाजी से मिलने आ गए। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, अब घर चलते हैं। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई है? ये आपने बनाया? हाँ, ये आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया। अच्छा लग तो नहीं रहा है वैसे। थैंक यू। तो मैं आ चुकी हूँ अपने बहन के घर, देखते हैं क्या है रहा है इनके यहाँ। तूने क्या बनाया? बनाया, खत्म हो गया, थोड़ा सा रह गया, खाएगी? नहीं यार, देख सकते हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट लिटिल मंक्स। वैसे देखा जाओ तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, गुड लक का साइन होता है शायद ये, इसे सिर्फ स्टैचू के तौर पे नहीं होता, ये गुड लक का साइन भी इनको माना जाता है। तो देखो ये मेरे साथ व्लॉग बना रही है। तो आज खाने में पनीर की भुजी और रोटी, तो चलो खा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक था, और यही था मेरा आज दिन भर का शेड्यूल। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपसे मिलते हैं कल।